माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया। जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूँ, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूँ, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोज मिला। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की। देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर, उन्होंने तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं, तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहाँ चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहाँ चला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं, पहले इतना आंकड़ा था, क्यों कम हुआ?
आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए, ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, क्योंकि रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया, गलत हाथों में जाने से बचाया, देश के टैक्स पेयर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में, कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है, और वो अपना काम कर रहे हैं।